अब आप सोच रहे होंगे ना मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, तो दोस्तों मैं वही ढूंढ रहा हूँ जो आपके घर से खो चुका है। अगर आप अपने घर के आजू बाजू देख रहे हो तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि वो आपके घर से खो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जनाब क्या खो चुके की बात कर रहे हैं और हमारे घर से क्या खो गया है। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे तो शायद वो किसी टेबल पर या आपके घर के सज्जे पर रखा होगा, लेकिन वो अभी भी धूल खा रहा होगा। तो आप सोच रहे होंगे क्या धूल खा रहा होगा, क्या टेबल पर रखा है, क्या सज्जे पर रखा है। दोस्तों बात कर रहा हूँ मैं रेडियो की। अब रेडियो ना कहीं खो चुका है। अब मैं जिस तरीके से कह रहा था घर में बड़े बुजुर्ग होंगे तो भी होगा, क्योंकि भाई इस जनरेशन की भाग दौड़ में मोबाइल टेक्नोलॉजी की सब भीड़ भाड़ में हम रेडियो को भूल चुके हैं। मैंने बहुत पहले कहावत सुनी थी कि रोज सुबह की चाय अखबार के साथ रेडियो की आवाज, वाह क्या शायरी है। लेकिन हम सभी को अभी तक यही पता है कि रेडियो में हम सिर्फ गाने सुन सकते हैं जो हमारे दादाजी सुना करते थे या हमें कोई कहानी में हमारे मम्मी पापा ने बताया होगा। लेकिन रेडियो ने किस तरीके का साथ दिया है आजादी में, ये मैं आप सभी को आज बताने वाला हूँ। हेलो एंड हाय, यू आर वॉचिंग बजुका एंड दिस इज आयुष तिवारी। तो दोस्तों एक 22 साल की मुंबई की लड़की जिसने आजादी के टाइम अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन से हमारे देश को आजादी दिलाने में बहुत मदद की थी। अब आप सोचेंगे कि रेडियो से किस तरीके की मदद हो सकती है। तो दोस्तों उस समय चल रही थी हमारी देश को आजादी की लड़ाई। ये बात कर रहा हूं मैं 1942 की, जब हमारा देश आजादी के लिए लड़ाई कर रहा था, जद्दोजहद कर रहा था। हमारे देश के सभी फ्रीडम फाइटर ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी हमारे देश को आजादी दिलाने में। तभी ये 22 साल की लड़की सामने आती है और इस मामले पर गौर फरमाती है और अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन की शुरुआत करती है। और दोस्तों जब अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन की शुरुआत हुई तब हमारे देश के अंग्रेजों पर जिस तरीके का मुंह तोड़ जवाब मिला था वो वाकई तारीफ के काबिल था। और उस समय के बाद से हमारे देश में कई तरीके के बदलाव आए और उस अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन ने हमारे देश को आजादी दिलाने में बहुत मदद की। जी हाँ दोस्तों, Amazon प्राइम वीडियो पर 21 मार्च को एक सीरीज आ रही है जिसका नाम है ए मेरे वतन, और इस 22 साल की लड़की की भूमिका निभा रही है सारा अली खान। और सारा अली खान के साथ और भी अन्य कलाकार ए मेरे वतन सीरीज के साथ जुड़ेंगे, इस आजादी की लड़ाई के साथ जुड़ेंगे और हम सभी को इतिहास के पन्नों से निकाल कर एक मैसेज देंगे। उस घटना को हम सभी के सामने लेकर आएंगे इस सीरीज के माध्यम से जो शायद हमने नहीं देखी। और दोस्तों इस सीरीज की एक खास बात ये होगी कि हमारे सीरियल किसर इंडस्ट्री के इमरान हाशमी भी इसमें एक स्पेशल अपीयरेंस की भूमिका में हमें नजर आएंगे। तो दोस्तों कहानी जब इतनी इंटरेस्टिंग है, कहानी इतनी जबरदस्त है, तो भाई इसकी लिखावट भी तो इतनी जबरदस्त होनी चाहिए ना, क्योंकि जिस तरीके से लिखा जाएगा वही पर्दे पर दर्शाया जाएगा। और दर्शाने के लिए तो हमारे डायरेक्टर साहब रेडी है, लेकिन भाई लिखावट किसने लिखी, तो इस सीरीज की लिखावट लिखी है डाबर फारूकी और कन्नन अय्यर ने। यानी कि भाई डायरेक्शन जो दे रहे हैं उन्होंने लिखावट में भी साथ दिया, यानी कि पूरी जोरदार तैयारी से इस सीरीज को लेकर आ रहे हैं डायरेक्टर साहब। दोस्तों डरने की फिक्र बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये हमें हिंदी के अलावा तमिल, कन्नड़, मलयालम, यानी कि हमको अलग अलग भाषाओं में भी देखने मिलेगी। अब दोस्तों आप सभी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि भाई धर्मा प्रोडक्शन इसको अपने बैनर के तले लेकर आ रहा है। हाँ मानना पड़ेगा कि सारा अली खान की फलक से चांद तक, हाँ ये जो सीरीज थी ये तो बिल्कुल नहीं चली थी, मतलब ये जो फिल्म थी ये बिल्कुल नहीं चली थी, लेकिन हाँ सारा अली खान जो इस बार 22 साल की लड़की की भूमिका निभा रही है ना, इसके टीजर से भाई लोगों ने ढेर सारी तारीफ की है सारा अली खान की, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से इन्हें स्टार किड के कारण इस इंडस्ट्री में दबाया जा रहा था कि भाई ये तो हमारी स्टार किड है, इसको तो फिल्म मिल ही जाएगी। दोस्तों अगर बात करूँगा इस सीरीज की तो कहीं ना कहीं 80 करोड़, लगभग 80 करोड़ के बजट में है भाई ये सीरीज। आप सोचिए 21 मार्च को जब ये सीरीज आएगी ए मेरे वतन, जो इतने गंभीर विषय पर है हमारी आज़ादी की लड़ाई के ऊपर में, और हमें इतिहास के बहुत सारे सच भी बताएगी, यानी कि कहीं ना कहीं भाई ढेर सारा ड्रामा, एक्शन, एंटरटेनमेंट लेकर आ रही है सीरीज। तो फिर देर किस बात की है, वेट कीजिए 21 तारीख का और देखिए ए मेरे वतन सिर्फ और सिर्फ Amazon प्राइम वीडियो पर। और दोस्तों सारा अली खान के एक्टिंग के बारे में प्लीज़ नीचे एक कमेंट तो ज़रूर करना और हमें बता देना भाई कि सारा अली खान कोई एक्टिंग काम कर सकती है या नहीं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बजुका का।